तो फ्रेंड्स, लिंक बिल्डिंग के लिए आप इन्फोग्राफिक यूज कर सकते हो। इन्फोग्राफिक क्या होता है कि कोई एक बड़ी एक इमेज बना ली ट्यूटोरियल वाली और उसे आपने दूसरी साइट्स पर डाल दिया, ठीक है, और डाल दिया। कुछ फ्री में इन्फोग्राफिक की डायरेक्टरीज होंगी और कुछ आप लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हो फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कि आप हमारा इन्फोग्राफ यूज करो अपनी वेबसाइट पर और उसमें लिंक क्रेडिट आप हमको दे दो। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपको फ्री में बैक लिंक मिल गया, उसको फ्री में इन्फोग्राफिक मिल गया, ठीक है। तो ये एक लिंक बिल्डिंग का अच्छा सॉल्यूशन होता है। अच्छा, वीडियो क्रिएशन और वीडियो पब्लिशिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियो डायरेक्टरीज में अपना कोई वीडियो बनाया हो उन्हें पब्लिश करो और उनमें जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें नीचे अपना लिंक डालो, तो उससे भी आपको लिंक बिल्डिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। एक ये हो गया लिंक बिल्डिंग का तरीका। और वैसे एक फेमस तरीका और है, पुराना है, आर्टिकल सबमिशन। आपको जैसे 10 यूनिक आर्टिकल्स लिखे आपने और उन 10 यूनिक आर्टिकल्स को आपने क्या किया कि अलग अलग जो फ्री डायरेक्टरीज होती हैं आर्टिकल्स की उनमें सबमिट किया। कुछ अप्रूव भी करेंगी, कुछ इंस्टेंटली अप्रूव कर देती हैं, हो सकता है कुछ डिनाई भी करें, पर जो डिनाई करें उनसे पूछ लीजिए कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या गाइडलाइंस है, ताकि आप उनको फॉलो करके अपना जो भी आर्टिकल है अपने लिंक के साथ में वहाँ डाल सकें ताकि आपको बैक लिंक मिल सके। इसके अलावा प्रोफाइल क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर की अच्छी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं जहां आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और अपने प्रोफाइल के साथ में आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि वहां से भी आपको बैक लिंक मिलता है जो कि अच्छा होता है। इसके अलावा कई सारी वेब 2.0 साइट्स होती हैं जो आपको फ्री में आर्टिकल डालने की पॉसिबिलिटीज देती हैं, फैसिलिटी देती हैं, और आप उस आर्टिकल के साथ में अपना वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रमोशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हमेशा जैसे चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, अगर आपको ये अलाउड करते हैं, तो वैसे तो फेसबुक तो अलाउड करता ही है, आप बस ये है कि उनकी गाइडलाइंस फॉलो करो। ट्विटर भी अलाउड करता है अगर वो आपकी कंट्री में अवेलेबल करता है कि आप ऐड डाल सकते हो या अपना ट्वीट प्रमोट कर सकते हो, तो आप ट्विटर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करो और आप अपना ऐड चला सकते हो। वैसे तो सबसे ज़्यादा मुझे फेसबुक ही पसंद है, क्योंकि ऐड करने की बात भी, क्योंकि मैंने उसमें कई बार ऐड किया भी और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। तो वहाँ से भी जैसे क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइक्स हमने का हमने कैंपेन चलाया और वहाँ से हमें नंबर ऑफ लाइक्स मिले, तो फाइनली वो सोशल सिग्नल्स काउंट होते हैं जो कि रैंकिंग में इफेक्ट करते हैं, और ये मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है। तो इसके अलावा ये हमारा पूरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च भी बताया और ऑन पेज एसईओ भी बताया, ऑफ पेज एसईओ भी बताया। तो इस तरीके से क्या है कि आप अगर इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो। इसके अलावा आप, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारी इस वीडियो में यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको अगला जो भी हमारा वीडियो होगा उसकी जानकारी मिल पाएगी और आप सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे एसईओ से रिलेटेड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एसईओ सारा ट्रिकी गेम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सारा ट्रिकी गेम है। अगर आपको सही ट्रिक्स पता है, आपको सही स्टेप्स पता है, तो कुछ ही महीनों में आपकी वेबसाइट हज़ारों विजिटर्स से भी मतलब ले सकती है आराम से, कि हाँ साहब हज़ारों विजिटर्स आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आते हैं। पर अगर आप कोई भी स्टेप या कोई भी ट्रिक गलत फॉलो करते हैं या किसी गलत एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं जिसे खुद भी ना आता हो, तो फिर आपको एसईओ में रैंक नहीं मिलती और टारगेटेड विजिटर या बायर नहीं मिल पाते। इसलिए हमेशा सही स्टेप्स को ही फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप वैसे प्रेस रिलीज सबमिशन भी, काफ़ी सारी प्रेस रिलीज साइट्स हैं, कुछ फ्री भी हैं कुछ पेड भी हैं। एक कोई न्यूज़ टाइप का आर्टिकल लिखा अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज या अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के बारे में और उन पर पब्लिश किया अपनी वेबसाइट के लिंक के साथ में, तो उससे क्या है काफ़ी अच्छी ट्रैफिक भी मिलता है और सर्च इंजन रैंकिंग में तो बहुत अच्छा देता ही है, काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। तो अगर आप ये हमारे सारे स्टेप्स को सारे उनको तरीके से फॉलो करते हैं, हमारे रिकमेंडेशंस को, और रेगुलरली हमारे आने वाले यूट्यूब के वीडियोस को भी ध्यान से देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हमें एसईओ में क्या क्या करना है और एसईओ में हमें क्या क्या नहीं करना है। तो इन स्टेप्स को आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। और इसके अलावा कुछ टाइम बाद आने वाले टाइम में हम आपको, वैसे एक फ्री सॉफ्टवेयर भी है, अगर आप चाहो अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ एनालिसिस करना या अपने कॉम्पिटिटर का ऑफ पेज एसईओ एनालिसिस करना, तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसको
फ्री वर्जन उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो पेड लेना चाहें तो वो उसमें फिर पेड का ऑप्शन भी है, पर आप जैसे ही आप लिंक से जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमें क्या यूज़ करना है। और वैसे उसका फ्री वर्जन भी काफ़ी इफेक्टिव है, मैंने यूज़ किया है, मुझे काफ़ी सारा फ़ायदा भी हुआ है। मैं किसी भी वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ को इजीली चेक कर लेता हूँ, मैं कोई भी मेरे कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स वगैरह का इजीली एनालिसिस कर लेता हूँ, और काफ़ी सारे बैकलिंक्स नए क्रिएट करने में भी उस पर उसके थ्रू मुझे रोड मैप मिलता है कि हाँ मुझे क्या और कैसे करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ मिलती है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, नीचे मेरी वेबसाइट के नीचे एक लिंक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। और ये कुल मिलाकर ये मेरी रिकमेंडेशंस थी, आपको टाइमली फॉलो करनी है इसे। और इसके अलावा सोशल सिग्नल्स पर हमेशा ध्यान दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि आपके जो भी ब्लॉग पोस्ट है, वेब पेजेस हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर शेयर करें, ताकि नंबर ऑफ सोशल सिग्नल्स बढ़ें जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो भी फेमस ब्लॉगर्स हैं उनके ब्लॉग्स पर आप अपना आर्टिकल डालने का अगर मौका मिलता है, आप किसी भी तरह उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे या उनके सोशल अकाउंट्स के मतलब फेसबुक पे जैसे उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए अगर वो अवेलेबल हैं तो, और उनसे बोलिए कि भैया हमें आपके उस पर गेस्ट पोस्ट डालना है और हम आर्टिकल भी लिख के देंगे, और अगर कोई पेड रिव्यू की कोई फीस भी होगी तो फीस भी देंगे। तो फिर उससे क्या है, आपको बैकलिंक मिल सकता है और पॉपुलरिटी भी मिल सकती है। तो ये मेरी आपके लिए रिकमेंडेशंस हैं, आई होप कि मेरा जो ये एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी है आप लोगों के लिए समझ में आया होगा, और मैं लगातार ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।